क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, एक्स टू द पावर बी। तो एक्स टू द पावर यदि बी है तो यहाँ पे माइनस सी है, तो हम यहाँ पे डिवाइड में था तो माइनस सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी प्लस सी माइनस सी, क्यों? क्योंकि नीचे था, डिवाइड में था, तो पावर ऊपर ले आएंगे तो माइनस हो गया। एक्स सी माइनस ए, फिर सी प्लस ए माइनस बी। अब फिर देखिए एक्स ए माइनस बी और फिर ए प्लस बी माइनस सी, क्लियर है यहाँ तक? अब आप क्या कीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, बी से पहले पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर सी से आप पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स सी सी प्लस यहाँ तक समझ गया आप लोग? बस इसको हम लोगों ने किया है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी, बी स्क्वायर बी सी एंड ए बी, माइनस ए बी हो जाएगा। फिर देखिए माइनस बी सी, ठीक है, क्योंकि बी और सी बी सी, देन सी और सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ए सी। उसके बाद देखिए एक्स, अब यहाँ देखिए सी और सी, सी स्क्वायर प्लस ए और सी, तो ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी, क्लियर है? देन एक्स ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी सी, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आप इसमें कुछ कुछ ना होता है, ये जीरो आ जाएगा, बी सी और बी सी कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए सी और ए सी यहाँ पे कैंसिल हो गया, ए बी और ए बी यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो अब एक्स हुआ। अब एक्स पे पावर जो भी है, ठीक है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे पावर को। तो बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, अब इसके पावर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा लग रहा है कि लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वही है, माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, क्लियर है? अब देखिए ये बी स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में है, ये ए बी है माइनस, ये प्लस, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस, बी स्क्वायर माइनस सॉरी बी सी माइनस बी सी प्लस, ए स्क्वायर ए स्क्वायर। अब बचा हमारे पास ये माइनस ए सी, ये माइनस ए सी, अब एक्स पे कुछ नहीं बचा, जीरो, तो ये आ जाएगा वन हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का।